नमस्कार, बीकॉम प्रथम सेमेस्टर के सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। मैं अर्चना शुक्ला। आज वित्तीय लेखांकन में हम दिवाला लेखे के दूसरे भाग पर चर्चा करेंगे। पहला जो वॉल्यूम हमारा था उसमें मैंने आपको बेसिक यानी फंडामेंटल्स की जानकारी दी थी बच्चों, और मैं चाहूंगी कि आज थोड़ा सा उसका रिविजन करके हम बात को आगे बढ़ाएंगे। देखिए, मेरा जो पूरा आज का व्याख्यान है वो इन तीन बिंदुओं पर फोकस रहेगा। पुनरावृत्ति, हम रिविजन करेंगे, हमने जितना भी पढ़ा इसके पहले बहुत संक्षेप में मैं आपको इसके जानकारी दूंगी। फिर हम दिवाला लेखे के कुछ क्रियात्मक प्रश्न देखेंगे, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम, जिसमें मैं दो गणित आपको, और आप कृपया ध्यान दें, एक गणित मैं पूरा आपको हल करके बताऊंगी और दूसरे गणित में मैं उम्मीद करती हूँ, आशा करती हूँ कि आप शामिल होंगे और मेरे पूछे गए प्रश्नों का जवाब देंगे। और एक और खास बात जिस पर आज मैं चर्चा करना चाहूंगी, और वो है संपत्ति अधिक और दायित्व कम होने पर किस तरह से हम दिवाला लेखे रखते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। रिवीजन कर रही हूँ दिवाला की दिवालिया की परिभाषा। जैसा कि आप जानते हैं, मैंने आपको बताया था, दो शर्तें कोई व्यक्ति पूरी करे तो ही वो दिवालिया कहलाता है। ऐसा व्यक्ति जो कि जिसकी की संपत्तियां कम और दायित्व अधिक हों। आपको तीसरा बिंदु शायद याद है, अभी मैंने लर्निंग ऑब्जेक्ट्स में तीसरा बिंदु इसके विपरीत लिखकर बताया है, उस पर हम चर्चा बाद में करेंगे बच्चों। तो दायित्व अधिक और संपत्तियां कम हो, साथ ही उसे न्यायालय द्वारा न्यायालय द्वारा दिवालिया घोषित किया गया हो, यानी यदि कोई व्यक्ति केवल ये कहे कि उसकी तो संपत्तियां कम हैं और उसका दिवाला निकल गया, तो उसे हम दिवाला नहीं मानेंगे, उसे एक आवेदन देना होगा न्यायालय में, और न्यायालय एक अधिकारी नियुक्त करेगा जो उसकी संपत्तियों को बेचकर उसके दायित्वों का हिसाब करेगा और देखेगा कि कितनी कमी है और वास्तव में वो दिवालिया है या नहीं, उसे दिवालिया घोषित करने की प्रोसेस पूरी होगी। तो दो शर्तें, यानी यदि कोई व्यक्ति के दायित्व अधिक हैं, संपत्तियां कम हैं, लेकिन उसे न्यायालय द्वारा दिवालिया घोषित नहीं किया गया है, तो उसे हम दिवालिया नहीं मानेंगे। तो दो शर्तें पूरी होना जरूरी है। आइए देखें दिवालिया के लिए जो दो अधिनियम मैंने आपको जानकारी दी थी बच्चों, आपको याद होगा मैंने उसी दिन आपको शॉर्ट फॉर्म में कुछ बताकर याद कराने की कोशिश की थी। पहला है प्रेसिडेंसी टाउन्स दिवाला अधिनियम 1909। आपको याद है मैंने इसका एक कोड वर्ड बताया था PTI, प्रेसिडेंसी टाउन्स इंसॉल्वेंसी एक्ट 1909। हम इसे PTI, इसे महानगरीय और हिंदी में प्रेसिडेंसी भी आप कह सकते हैं। तो महानगरीय दिवाला अधिनियम 1909, और दूसरा है प्रांतीय दिवाला अधिनियम, जिसको हम अंग्रेजी में प्रोविंशियल इंसॉल्वेंसी एक्ट 1920 कहते हैं। ऑब्जेक्टिव्स के लिए आपके प्रश्न तैयार हों, इसके लिए आपको याद रखना है, ये याद रखना है बच्चों आपको कि ये जो महानगरीय है, ये मैंने एक और कोड वर्ड आपको बताया था KCM में लागू होता है। K फॉर कोलकाता, C फॉर चेन्नई, M फॉर मुंबई। KCM आपको याद रखना है, PTI KCM में लागू होता है, और जो प्रांतीय दिवाला अधिनियम है वो KCM को छोड़कर, यानी इन तीन महानगरों को छोड़कर, यानी कोलकाता, चेन्नई और मुंबई को छोड़कर, शेष भारत में प्रांतीय दिवाला अधिनियम लागू होता है। मैं आपको एक बार फिर याद दिला दूं कि इस अधिनियम की उपयोगिता क्या है। यदि आपको प्रश्न में ये कहा जाए कि रायपुर निवासी ए का दिवाला निकल गया, तो रायपुर हमारे इन तीन महानगरों में नहीं आता, इसलिए आप उसे प्रांतीय दिवाला अधिनियम के अनुसार प्रश्न हल करेंगे, इसीलिए आपको स्थान विशेष पर ध्यान रखना, चर्चा करना आवश्यक है। तो महानगर, आपको ये देखना है कि व्यक्ति दिवाला कब हो रहा है, कब उसने व्यवसाय शुरू किया, साथ ही किस स्थान का निवासी है, उस हिसाब से आपको खास तौर से लिस्ट डी बनाते समय हम इस अधिनियम को ध्यान में रखते हैं, जो पूर्वाधिकारियों की जानकारी प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स के कैलकुलेशन में हमारी मदद करती है, लिस्ट डी, सूची डी। तो प्रेसिडेंसी टाउन्स दिवाला अधिनियम और प्रांतीय दिवाला अधिनियम में सबसे पहला, यदि आप कुछ आधार लेकर अंतर देखें तो, या उन पर कुछ लिखना चाहें तो, 1909 में लागू हुआ, ये 1920 में लागू हुआ।
कहाँ अप्लाई होता है? तो आप कहेंगे KCM में, महानगरों में, प्रेसिडेंसी और प्रांतीय क्या है, शेष भारत में लागू होता है। एक और पॉइंट मैंने आपको बताया था कि जो प्रेसिडेंसी टर्म्स वाला अधिनियम है उसके अंतर्गत न्यायालय द्वारा नियुक्त अधिकारी ऑफिशियल असाइनी सरकारी संवाददाता कहलाता है, और प्रांतीय दिवाला अधिनियम के अंतर्गत जो न्यायालय के द्वारा नियुक्त अधिकारी होता है वो सरकारी प्रापक कहलाता है, ऑफिशियल रिसीवर कहलाता है। इसके साथ ही हमने इन दोनों अधिनियमों में अंतर करने के लिए पूर्वाधिकारियों की एक सूची देखी थी। बच्चों, उसी दिन मैंने आपसे ये चर्चा की थी कि आपको याद किस तरह से करना है। तो मैंने प्रेसिडेंसी में कहा था 300-100 और प्रांतीय में कहा था 20-20। 300-100 क्लर्क के लिए अधिकतम राशि प्रति क्लर्क 300 रुपए और 100 रुपए प्रति मजदूर, और वो भी दिवाला आदेश के पूर्व के 4 महीने ध्यान में रखते हुए हम राशि पर गौर करेंगे। तो प्रति क्लर्क 300, प्रति मजदूर 100 रुपए आपको ध्यान रखना है प्रेसिडेंसी में 300-100, और प्रांतीय में मैंने आपको 20-20 रुपए की राशि बताई थी। अंतर के आधार पर एक और पॉइंट है हमारा जिस पर हम चर्चा कर लें। भूस्वामी का किराया प्रेसिडेंसी टर्म्स दिवाला अधिनियम के अनुसार 1 महीने का डे किराया पूर्वाधिकारी माना जाता है, लेकिन प्रांतीय में इस प्रकार का कोई पूर्वाधिकार नहीं रखता। ये भूस्वामी का किराया जो दे किराया होगा ये आरक्षित माना जाएगा। इसके साथ ही एक और आधार लेकर हमने इनके बीच में अंतर करने की समझने की कोशिश की थी बच्चों, और वो ये कि केंद्र राज्य स्थानीय सत्ता को दे जो राशियां होती हैं जैसे आयकर, जल कर और जो स्थानीय कर है, ये सब कर और जो हमारा वर्क्समैन कंपनसेशन एक्ट है उस एक्ट के तहत यदि कोई कंपनसेशन अमाउंट देना है, ड्यू है, देना बाकी है, तो वो पूरी राशि हमेशा क्या होगी, दोनों अधिनियमों के अनुसार पूर्वाधिकार रखती हैं, यानी इन्हें पहले भुगतान किया जाना है। तो दिवाला अधिनियम का मैंने आपको रिवीजन बता दिया। आप दिवाला लेखे की बात करते हैं, दिवाला खातों की बात करते हैं। आपको याद होगा मैंने 2 प्रकार के खाते बनाए जाते हैं आपको जानकारी दी थी। पहला अवस्था विवरण, जिसको स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स अंग्रेजी में कहेंगे। इसके 2 भाग होते हैं, एक दायित्व पक्ष और एक संपत्ति पक्ष, एक लायबिलिटी और दूसरा असेट्स। दूसरा हम महत्वपूर्ण खाता बनाते हैं, कमी का खाता, जिसे अंग्रेजी में डेफिशिएंसी अकाउंट कहते हैं। हम हिंदी और अंग्रेजी का सम्मिलित मिश्रण पढ़ते हैं बच्चों, इसलिए चलते हैं अवस्था विवरण की ओर। स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स, इसमें हम जो दायित्वों की सूची बनाते हैं वो इन 4 भागों में बटी होती है। ये सूची लिस्ट ए अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स के लिए, लिस्ट बी फॉर फुली सिक्योर्ड क्रेडिटर्स, लिस्ट सी फॉर पार्टली सिक्योर्ड क्रेडिटर्स एंड लिस्ट डी फॉर प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स। लिस्ट ए आरक्षित लेनदारों के लिए, आपको याद होगा मैंने आरक्षित लेनदारों की पूरी एक सूची आपको लिखाई है। आरक्षित लेनदारों में आरक्षित लेनदार के नाम से, निजी लेनदार के नाम से, व्यापारिक लेनदार के नाम से, देय विपत्र के नाम से, एक कुछ पॉइंट्स हमने नोट किए थे, बैंक अधिविकर्ष। इसी तरीके से जो किराया, जो राशियां पूर्वाधिकार नहीं रखती हैं उनका आधिक्य जो है वो यहाँ आरक्षित लेनदारों की सूची में शामिल किया जाएगा। जो हमारे बनाए गए बिल हैं यदि उन पर कोई संभाव्य कंटिंजेंट लायबिलिटी बनती है तो वो राशि भी आरक्षित लेनदारों में शामिल की जाती है। लिस्ट बी में मैंने आपको बताई थी पूर्ण आरक्षित लेनदार। एक छोटा सा उदाहरण फिर दोहरा देती हूँ उसी राशि को लेकर। यदि हमने ऋण लिया या व्यवसायी ने ऋण लिया 22,000 रुपए का, और उसके ऋण के लिए उसने एक अपनी संपत्ति गिरवी रखी है, मॉर्गेज लोन है जो 22,000 रुपए का, उसमें जो संपत्ति गिरवी रखी उसकी कीमत 28,000 रुपए है, तो आप ध्यान से फिर से सुने, 22,000 रुपए का ऋण है और प्रतिभूति 28,000 की है, आप क्या कहेंगे, ये ऋण क्या है, पूरी तरह से रक्षित है, सुरक्षित है। यानी यदि हम ऋण का, व्यापारी ऋण का भुगतान नहीं करेगा 22,000 रुपए, तो उसकी संपत्ति जब्त करके और उस संपत्ति को बेचकर पूरे 22,000 रुपए वसूल कर लिए जाएंगे और 6,000 रुपए आधिक्य के उसे वापस कर दिए जाएंगे। तो आपको याद रखना है, प्रश्न को ध्यान से पढ़ना है। पूर्ण रक्षित लेनदार यानी जितने का ऋण लिया है उसके बराबर या उससे अधिक
मूल्य की प्रतिभूति सिक्योरिटी मॉर्गेज गिरवी रखा गया है बंधक ऋण के नाम से आपको ये जानकारी दी होती है। अंशतः रक्षित लेनदार लिस्ट सी, जिसमें कि हम ये देखेंगे कि जितने रुपए का ऋण लिया है उस ऋण के लिए जो संपत्ति गिरवी रखी गई है वो उससे कम मूल्य की है। यानी यदि 10,000 रुपए का ऋण लिया है और मैं आपसे कहूँ 8,000 रुपए की संपत्ति या फर्नीचर गिरवी रखा है तो आप समझ जाएंगे कि ये तो ऋण की राशि से कम मूल्य की प्रतिभूति है। तो ये पार्टली सिक्योर्ड कितने रुपए से सुरक्षित हो गया, 8,000 रुपए से, और पार्टली अनसिक्योर्ड मीन्स 2,000 रुपए का ऋण जो है वो असुरक्षित है, इसलिए इसे अंशतः पार्टली सिक्योर्ड कहते हैं। लिस्ट सी के बाद लिस्ट डी, जिसके बारे में मैंने आपको जानकारी दी है, मैं फिर दोहरा दूं, लिस्ट डी खास तौर से स्थान पर आधारित दिवाला अधिनियम पीटीआई 1909 और पीआई 1920 के आधार पर गणना करेंगे और इसमें आपको 300/100/20/20 को ध्यान में रखना है। भूस्वामी का किराया केवल 1 माह का पीटीआई के अंतर्गत पूर्वाधिकार होता है, पूर्वाधिकारी माना जाता है और दोनों में कॉमन फैक्टर है, केंद्र राज्य स्थानीय सत्ता को देय राशियां जो हैं और क्षतिपूर्ति अधिनियम के अंतर्गत देय राशियां जो हैं, कोई भी अधिनियम लागू हो, कहीं का भी निवासी हो, भारत का निवासी, तो उसे वो राशि देना जरूरी होता है। ये राशियां पूर्व भुगतान का अधिकार रखती हैं, पूर्व अधिकार आपको याद रखना है। तो दायित्वों की सूची अवस्था विवरण में ABCD के तहत हम करेंगे। आइए संपत्ति पक्ष में चलते हैं और सबसे पहले हम बनाएंगे लिस्ट ई और इसमें हम लिखेंगे प्रॉपर्टीज। बच्चों याद रखिए, मैंने इसके पहले भी आपको जानकारी दी है कि जो लिस्ट ई है वो गिरवी रखी संपत्तियों को छोड़कर बाकी संपत्तियों के बारे में हमको जानकारी इकट्ठी करनी होती है और इसमें हमें प्राप्य मूल्य भी लिखना है बाहर के कॉलम में अवस्था विवरण में और इसका जो पुष्ट मूल्य है उसको भी लिखना है, पुष्ट मूल्य इनर कॉलम में और जो रियलाइज्ड वैल्यू है प्राप्य मूल्य है वो आउटर कॉलम में लिखना है, जिससे हम इस खाते को देखकर पता लगा सकें कि संपत्ति विशेष पर कितने की हानि हो रही है। गिरवी रखी संपत्ति को छोड़कर शेष संपत्तियां लिस्ट ई में दर्शाई जाती हैं, जैसे कैश इन हैंड, कैश एट बैंक। ये आपको याद रखना है कि रोकड़ हाथ में हो चाहे बैंक में हो, यदि 100 रुपए है तो उसका प्राप्य मूल्य भी 100 माना जाएगा, लेकिन मशीन यदि 10,000 की है और आप उसे बाजार में बेचने जा रहे हैं तो 8,000 भी मिल सकता है, 12,000 भी मिल सकता है, इसलिए उसे आप प्राप्य मूल्य को थोड़ा ध्यान से प्रश्न में पढ़कर फिर लिस्ट ई तैयार करेंगे। जितनी भी संपत्तियां हैं जैसे आपको देनदारों को छोड़कर और गिरवी रखी संपत्तियों को छोड़कर, क्योंकि देनदारों के लिए हम अलग से लिस्ट एफ बनाते हैं। ऑब्जेक्टिव के लिए आपका प्रश्न तैयार हो रहा है बच्चों, लिस्ट ABCD किस लिए हम बनाते हैं, हम लिस्ट ई पर आ गए हैं, संपत्तियों की सूची शुरू हो गई है रोकड़ हाट में, रोकड़ बैंक में, इसी तरीके से आप प्राप्य बिल लिख सकते हैं, इसी तरीके से आप इसमें मशीन लिख सकते हैं, फिक्चर्स लिख सकते हैं। तो लिस्ट ई गिरवी रखी संपत्ति को छोड़कर बाकी संपत्तियों की लिस्ट आप बनाएंगे। ये याद रहे कि यदि चिट्ठे में आपको ख्याति दी है तो उसका प्राप्य मूल्य 0 माना जाएगा, क्यों, क्योंकि व्यक्ति का दिवाला निकल रहा है यानी उसका सुनाम अब नहीं है, अब उसकी ख्याति खत्म हो रही है, इसीलिए दिवाला निकल रहा है और दिवाले की प्रोसेस शुरू हो रही है, इसलिए ख्याति यदि चिट्ठे में दी है तो पुष्ट मूल्य उसका, पुष्ट मूल्य जितना भी दिया हो प्राप्य मूल्य उसका 0 माना जाएगा। तो लिस्ट ई ओनली फॉर प्रॉपर्टीज जो गिरवी नहीं रखी गई है। लिस्ट
संपत्तियों की सूची में हम पढ़ रहे थे लिस्ट एफ, जिसमें कि हम देनदारों की बात कर रहे थे बच्चों, और इसमें हम अच्छे संदिग्ध और डूबत इन देनदारों की का हिसाब रखेंगे, उनकी जानकारी देंगे। लिस्ट जी है विनिमय बिल के लिए, इसमें प्रॉमिसरी नोट भी लिखते हैं, प्रतिज्ञा पत्र भी लिखते हैं। संपत्तियों के बाद अब बारी आती है लिस्ट एच की, जिसको कि कमी कहते हैं। ये कमी की राशि, और इस कमी की राशि को हमें चेक करने के लिए हम बनाते हैं दूसरा महत्वपूर्ण खाता। पहला कौन सा था? अवस्था विवरण, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स, और दूसरा हम बनाएंगे कमी का खाता, डेफिशिएंसी अकाउंट। इस कमी के खाते की एक विशेषता है कि इसके हम लेफ्ट हैंड साइड में पूंजी और पूंजी को बढ़ाने वाले पॉइंट्स लिखेंगे, और राइट हैंड साइड में हम पूंजी को कम करने वाले, मतलब जितने भी नुकसान होते हैं बच्चों, जैसे आहरण है पूंजी को कम करते हैं, हानि है संपत्ति के प्राप्य मूल्य से, प्राप्य मूल्य के कारण हानि हो रही हो, तो ये सब हानियां या अतिरिक्त भुगतान करना हो तो हम इन सब का हिसाब कमी के लेखे में करते हैं। एक क्विक लुक हम देते हैं। देखिए डेफिशिएंसी अकाउंट, मैंने प्रोफार्मा आपको पहले भी बता दिया था, लेकिन जल्दी जल्दी हम इस पर चर्चा कर लें। देखिए राइट लेफ्ट हैंड साइड देखिए, तो असेट्स जो है एक्सेस ऑफ असेट्स है ओवर लायबिलिटीज, प्राइवेट असेट्स हैं यदि वो भी अधिक हैं तो वो भी लिखेंगे, पूंजी पर ब्याज लिखेंगे, जो भी लाभ हो रहा है वो लिखेंगे। हम लेफ्ट हैंड साइड पर चर्चा कर रहे हैं प्रॉफिट ऑन असेट्स, संपत्तियों पर लाभ हो रहा है वो लिखेंगे, व्यावसायिक लाभ लिखेंगे, और जो सैलरी वगैरह रेमुनरेशन प्रोप्राइटर को मिलता है वो लिखेंगे, और यदि जुए और सट्टे के स्पेकुलेशन या बेटिंग से कुछ प्रॉफिट हुआ है तो वो लिखेंगे। इसके जस्ट अपोजिट जो भी नुकसान है वो आप राइट हैंड साइड लिखेंगे, बच्चों ये याद रहे। यदि किसी दायित्व से मुक्ति मिल गई हो तो वो राशि भी आपको लेफ्ट हैंड साइड, फायदे वाली बात करनी है, और उसके बाद हम लिस्ट एच के अनुसार जो डेफिशिएंसी हमारी निकली लिखेंगे। राइट हैंड साइड आपको दायित्वों का आधिक्य लिखना है, निजी दायित्वों का आधिक्य लिखना है बच्चों, व्यवसाय से जो हानि हो रही है वो आहरण, इसी तरीके से जुआ और सट्टे के व्यवसाय से जो आपको नुकसान या व्यवसाय को नुकसान हो रहा है बच्चों वो लिखना है, और डूबत ऋण और जो संपत्तियां बेचने से नुकसान हो रहा है वे संपत्तियां, यदि भुनाए गए बिल पर संभावित दायित्व बनता है तो वो राशि भी आप लिखेंगे, यदि कोई एक्स्ट्रा पेमेंट करना पड़ता है, नई कोई राशि का भुगतान करना होता है, और व्यावसायिक हानि, ये सब के सब हम राइट हैंड साइड लिखते हैं। तो डेफिशिएंसी का अकाउंट का मैंने आपको प्रोफार्मा रिविजन, तो ये हमारा जो मैंने जो प्लान किया था, मेरा लेक्चर प्लान था, उसमें पहला मैंने रिवीजन में टाइम दिया है। बच्चों आइए अब हम एक प्रश्न हल करते हैं। मैं उम्मीद करती हूँ आप प्रश्न को मेरे साथ ध्यान से पढ़ लेंगे। अंग्रेजी माध्यम के लिए मैंने एक और स्लाइड बनाई है। ए ने अपना व्यापार 1 जनवरी 2004 को 33,600 रुपए की पूंजी से प्रारंभ किया। कैपिटल से आपको याद समझ में आ गया होगा कि कैपिटल डेफिशिएंसी अकाउंट में सबसे पहले लिखेंगे, वो जो मैंने लिखा है संपत्तियों का आधिक्य वो पूंजी ही है, जिसको मैं आगे जाके आपको साबित करके बताऊंगी। 2004 से 2008 तक के लाभ दिए हैं बच्चों, ये चारों लाभ आप डेफिशिएंसी अकाउंट के लेफ्ट हैंड साइड लिखेंगे, व्यावसायिक लाभ आपको लिखना है। आपको आगे जानकारी दी है उसके आहरण 2,200 रुपए प्रति वर्ष थे, पर एनम यदि आपको उसकी ड्राइंग्स दी हैं तो आपको व्यवसाय देखना है 1 जनवरी 2004 से शुरू हुआ है, कैलेंडर वर्ष है क्योंकि 31 दिसंबर 2008 को खत्म हो रहा है, 5 वर्षों की बात हो रही है, तो प्रति वर्ष आहरण 2,200, 31 दिसंबर 2008 को उसके लिए एक दिवाला आदेश पारित हुआ। उस समय उसकी स्थिति देखिए, अरक्षित लेनदार, अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स आपको दिए हैं 20,000, फ्री होल्ड कारखाना पर बंधक आपको 4,000 दिया है, जो अनसंरक्षित लेनदार हैं 12,000 रुपए हैं, और ब्रैकेट में लिखा है जो प्रतिभूति है वो जीवन बीमा पॉलिसी की है, 4,000 रुपए उसका प्राप्य मूल्य है, ये गिरवी रखी है संपत्ति। वेतन मजदूरी के लिए लेनदार हैं और स्पष्ट किया गया है, दिवाला घोषित होने के ठीक 4 माह पूर्व सेवाएं दी 480 रुपए, बनाए गए प्राप्य बिल 3,200 रुपए है, देय मीन संभाव्य जो भुगतान करना होगा वो 3,200 का भुगतान करना होगा, फ्री होल्ड कारखाना लागत 40,000, फिर से पढ़ लीजिए उसकी कॉस्ट कितनी है 40,000, लेकिन अनुमानित प्राप्य मूल्य है 20,000, आप एनालिसिस हो रहा है, और इसको फिर से एक बार पढ़ लीजिए, ये हमारे जो फ्री होल्ड फैक्ट्री थी वो गिरवी रखी थी। देखिए फर्स्ट पैरा जहां था वहां मैंने अपना पॉइंट रोका था, फ्री होल्ड कारखाना पर बंधक, यानी लोन लिया है 4,000 का, और उस बंधक की कीमत कितनी है तो
40,000, लेकिन उसको रियलाइज्ड कितना हो रहा है, 20,000। इसको आप ध्यान रखेंगे। प्लांट मशीनरी 1,000 है, उसका अनुमानित प्राप्य मूल्य 2,000 रुपए है। पुस्तकी देनदार देखिए, अच्छे 6,000 दिए हैं, गुड, और संदिग्ध आपको दिए हैं, और डूबत ऋण अप्राप्य ऋण भी दिए गए हैं। इसके साथ ही फिक्चर्स की कॉस्ट दी है, उसका रियलाइज्ड वैल्यू दिया है, व्यापारिक रहतियां दिया हुआ है, और अब आपको ए का अवस्था विवरण और कमी का खाता बनाने को कहा गया है। ये अंग्रेजी में जल्दी जल्दी पढ़ लेते हैं। देखिए, 1 जनवरी 2004 को उसकी कैपिटल दी है 33,600, प्रॉफिट्स दिए हैं, और इसके साथ ही आपको ड्राइंग्स पर एनम दिया है 2,200 पर ईयर दिया है। 1 जनवरी 2004 to 31 दिसंबर 2008, 5 ईयर्स हो जाते हैं, इसलिए आपको उसके 5 ईयर्स का 2,200 × 5 करके 11,000 ड्रॉइंग्स लिखनी होगी। यदि मैं यहाँ पर परिणम शब्द हटा दूं बच्चों, तो पूरा का पूरा प्रश्न आपका बदल जाएगा। इसलिए बहुत ध्यान से प्रश्न को समझें और देखें कि यहाँ अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स 20,000 रक्षित लिस्ट ए में हम लिखते हैं। मॉर्गेज लोन जो है 4,000 का है, आगे जाके कहा गया आपको कितने की प्रॉपर्टी है जो मॉर्गेज है। क्रेडिटर्स पार्टली सिक्योर्ड लिस्ट सी बननी शुरू हो जाएगी, 12,000 रुपए का लोन है, और लाइफ पॉलिसी जो आपकी है सिक्योरिटी के रूप में, उसकी एस्टिमेटेड वैल्यू 4,000 है। क्रेडिटर्स फॉर सैलरी एंड वेजेस फॉर सर्विसेज रेंडर्ड विद इन 4 मंथ्स प्रीसीडिंग इंसॉल्वेंसी 480। आपको हिंदी में पढ़ते समय आपने ध्यान दिया होगा, गौर किया होगा, मैंने स्थान का उल्लेख नहीं किया बच्चों। एक और सबक जो मैंने पहले भी आपको बताया था, आज फिर दोहरा रही हूँ, जब स्थान विशेष का उल्लेख नहीं हो तो हम शेष भारत का निवासी मानते हैं और प्रोविंशियल के अनुसार हल करेंगे। तो इस प्रश्न में चूंकि संख्या नहीं दी है, कोई बात नहीं की जा रही है, केवल एक मुश्त राशि दी है 480, तो कोई भी अधिनियम हो, कहीं का भी निवासी हो, ये 480 रुपए लिस्ट डी पूर्वाधिकारियों की सूची में शामिल करेंगे। यानी यदि प्रश्न में मैं कह दूं कि मुंबई का निवासी है तो भी 480 रुपीज प्रिफरेंशियल लिस्ट डी में आएंगे, मैं कह दूं भोपाल का निवासी है, इंदौर का निवासी है, तो भी ये 480 रुपए पूर्वाधिकारी माने जाएंगे, क्योंकि वेतन और मजदूरी के साथ में एक मुश्त राशि दी है। मैंने आपसे पहले भी चर्चा की है कि जब स्थान विशेष का उल्लेख ना हो तो प्रोविंशियल, जब वेतन मजदूरी संख्या न दी हो, अवधि न दी हो, है ना, मजदूरों की संख्या नहीं दी हो, तो जितनी राशि दी हो वो पूरी की पूरी पूर्वाधिकारी मानी जाएगी। तो लिस्ट डी की ये राशि है 480। बिल्स रिसीवेबल डिस्काउंटेड एक्सपेक्टेड टू रैंक जो है वो 3,200 है, एक्स्ट्रा कंटिंजेंट पेमेंट है। फ्री होल्ड फैक्ट्री जो है 40,000 की है, एस्टिमेटेड वैल्यू 20,000 है, 20,000 का लॉस हो रहा है। प्लांट एंड मशीनरी की कॉस्ट है 8,000, 2,000 एस्टिमेटेड टू रियलाइज है, इसका मतलब इस पर नुकसान हो रहा है 6,000 का। बुक डेब्ट्स गुड 6,000 है, डाउटफुल में देखिए 2,000 का फिगर है, और आपको ब्रैकेट में जो दिया है 2,000 में से ओनली रियलाइज्ड वैल्यू कितनी है, तो 600 मीन्स 1,400 का नुकसान हो रहा है। बैड डेब्ट्स 5,000 पूरे के पूरे बैड हैं, इनसे किसी प्रकार की कोई वसूली नहीं हो रही है। आपको फिक्चर्स की कॉस्ट दी है 800 और एस्टिमेटेड टू रियलाइज दिया है 350, इस पर जो नुकसान हो रहा है उस नुकसान को हम कमी के खाते में लिखेंगे। स्टॉक भी 8,000 कॉस्ट बताई जा रही है और रियलाइज वैल्यू 5,550, इस पर भी नुकसान हो रहा है। आपको इन पर्टिकुलर्स के माध्यम से आपको स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स और डेफिशिएंसी अकाउंट बनाना है बच्चों। देखिए, हम सबसे पहले वर्किंग नोट पर हैं और आपसे मैं चाहूंगी कि आप भी मेरे साथ शामिल हो। अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स में सबसे पहले हम ग्रॉस और फिर एक्सपेक्टेड टू रैंक कैलकुलेशन करते हैं। आपको एक मुश्त राशि दी है आरक्षित लेनदारों की, वो है 20,000 और आगे एक्सपेक्टेड टू रैंक में भी 20,000। मैं आपको आगे जाके बताऊंगी कि दोनों राशियां कोई जरूरी नहीं समान हैं, समान हो 20,000 में से एक्सपेक्टेड टू रैंक में से कम राशि आ सकती है। बिल्स डिस्काउंटेड 3,200 है बच्चों और 3,200 ही एक्सपेक्टेड टू रैंक है। मैं बिल्स डिस्काउंटेड से आपको समझा दूं, यदि आपको प्रश्न में कहा जाए 10,000 रुपए के बनाए गए बिल हैं लेकिन संभावित दायित्व तो 3,200 का है, तो आप 10,000 इधर लिखेंगे ग्रॉस में और 3,200 जो आपको पेमेंट करना है कंटिंजेंट लायबिलिटी का वो लिखेंगे, तो डिफर करेगा फिगर हमारा। अभी हमारा दोनों ग्रॉस भी उतना ही है और नेट भी उतना ही फिगर है। लिस्ट ए बिल्कुल साधारण प्रश्न लेकर चल रही हूँ, आइए लिस्ट बी की ओर चलते हैं। लोन लिया था 4,000 का,
और इस लोन के लिए आपको याद है मैंने फ्री होल्ड आपको फैक्ट्री बताई थी, और देखिए ध्यान से इनर कॉलम में मैंने लिखा है 40,000 और इसका जो एस्टिमेटेड टू प्रोड्यूस फिगर था वो 20,000 था। अब आप देखें लोन 4,000 का है और लोन के बराबर या उससे अधिक राशि की सिक्योरिटी दी है, इसलिए हम इसे किस में लिख रहे हैं, फुली सिक्योर्ड में लिख रहे हैं। तो जो सरप्लस आ रहा है 16,000 का, 16,000 का आधिक्य है। ये संपत्तियों की जब हमारी लिस्ट ई और एफ बन जाएगी, जी बन जाएगी, तब हम इस आधिक्य को प्रति पार्श्व अनुसार मतलब एज पर कॉन्ट्रा लिखेंगे। तो याद रहे 16,000 रुपए की राशि आपको जोड़नी है लिस्ट संपत्तियों की सूची जहां खत्म होगी वहां, ये आधिक्य है, इसलिए हम गिरवी रखी संपत्तियों को छोड़कर लिस्ट ई बनाते हैं। बच्चों पार्टली सिक्योर्ड में जीवन बीमा की पॉलिसी जो थी उसके एवज में लोन लिया है। बच्चों लोन देखिए, लोन का फिगर है 12,000 और जो हमारा लाइफ इंश्योरेंस की जो सिक्योरिटी है उसकी कीमत है 4,000। लिए गए ऋण की राशि से कम मूल्य का आपका बंधक है या सिक्योरिटी है, तो आप समझ गए होंगे कि बची हुई राशि क्या होगी, 8,000 रुपए की अनसिक्योर्ड होगी। इसे हम स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स में बाहर के कॉलम में लिखेंगे। और अब बारी आ गई लिस्ट डी की, जो मैंने पढ़ाते समय आपको समझाया, यदि आपको दिल्ली निवासी कह दिया जाए तो प्रोविंशियल, यदि आपको भोपाल निवासी कह दिया जाए प्रोविंशियल, यदि केसीएम की बात करूं कोलकाता निवासी तो प्रेसिडेंसी, लेकिन प्रेसिडेंसी और प्रोविंशियल यहां पर मायने नहीं रख रहे हैं क्योंकि एकमुश्त राशि आपको दी है फॉर सैलरीज एंड वेजेस, गिनती नहीं दी है और ना ही आपको मंथ बताए जा रहे हैं, सिर्फ ये कहा जा रहा है कि राशियां क्या है, एक मुश्त राशि है और ठीक 4 माह पूर्व की है। तो ए बी सी डी हमने कैलकुलेशन किया है। बच्चों ध्यान से देख लीजिए, लिस्ट ए फॉर अनसिक्योर्ड, लिस्ट बी फॉर फुली सिक्योर्ड, लिस्ट सी फॉर पार्टली सिक्योर्ड, लिस्ट डी फॉर प्रेफरेंशियल। ये हमारा स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स के दायित्वों की सूची ए बी सी डी की तैयारी हो गई है। और अब मैं ई एफ सीधे आपको स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स से बताऊंगी। थोड़ी सी एकाग्रता और कंसंट्रेशन स्लाइड पर बनाए रखिएगा। देखिए स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स में उल्टे हाथ तरफ देखिए, लेफ्ट हैंड साइड ग्रॉस लाइबिलिटीज, लाइबिलिटीज एक्सपेक्टेड टू रैंक असेट्स और एस्टिमेटेड टू प्रोड्यूस। सबसे पहले लिस्ट बीचों बीच देखिए, लाइबिलिटी में मैंने मार्कर से हाईलाइट करने की कोशिश की, अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स लिस्ट ए, लिस्ट ए में 23,200 ग्रॉस में लिखा है और आउटर कॉलम में एक्सपेक्टेड टू रैंक में भी 23,200 रुपए लिखा है। लिस्ट बी शुरू हो गई है लिखेंगे, लेकिन इस राशि को आप आउटर कॉलम में नहीं लिखेंगे, मैंने इसको कटपिट कटपिट लगाया है, ध्यान रखिए। इसी के नीचे आप शो करेंगे सिक्योरिटी कितने की है, तो 20,000 16,000 रुपए आपको दिखाई दे रहे हैं और वहां लिखा है सरप्लस एज पर कॉन्ट्रा। ये सरप्लस 16,000 रुपए हम संपत्तियों के बाद में लिखेंगे, संपत्तियां हमारी बढ़ जाएंगी 16,000 रुपए से। तो 23,200 4,000 और इधर कटपिट लगाएं, बाहर नहीं लिखेंगे वो राशि, ये याद रहे। लिस्ट सी शुरू हो गई है पार्टली सिक्योर्ड, लोन है 12,000 का, जो मैं ग्रॉस में भी लिख रही हूँ बच्चों, और इनर कॉलम में लिख रही हूँ आउटर में नहीं, लेकिन आउटर में कोई और फिगर लिखा गया है। आप ध्यान से देखिए, लोन है 12,000 का और सिक्योरिटी है 4,000 की, तो जो बचा हुआ है 8,000 रुपए का ऋण वो हो गया अरक्षित। आप पॉइंट को ध्यान से पढ़िए, पार्टली सिक्योर्ड मतलब पार्टली अनसिक्योर्ड, और इस अनसिक्योर्ड फिगर को मैं बाहर लिख रही हूं 8,000, तो यहां 12,000 यहां 8,000। लिस्ट डी फॉर प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स, लिस्ट डी देखिए 480 मैं ग्रॉस में लिख रही हूं, इनर कॉलम में 480 लिख रही हूं बच्चों, लेकिन आउटर कॉलम में हम इसे नहीं लिखेंगे क्योंकि डिडक्ट एज पर कॉन्ट्रा लिखा है, जब सबसे पहले भुगतान इसका किया जाएगा इसीलिए। तो लिखने का तरीका आपने सीख लिया, चलिए संपत्ति की ओर चलते हैं। लिस्ट ई फॉर प्रॉपर्टीज एज पर लिस्ट ई, गिरवी रखी संपत्ति मतलब हम जीवन बीमा पॉलिसी को छोड़ देंगे बच्चों, जो हमारी फ्री होल्ड प्रॉपर्टी है फैक्ट्री है उसको छोड़ देंगे, और देनदारों के लिए हम अलग से लिस्ट एफ बनाते हैं, इसीलिए इन सब को छोड़कर तो क्या बच रहा है। आप ध्यान से देखिए, प्लांट है, बुक वैल्यू है 8,000, बाहर मैं लिख रही हूँ 2,000,
यानी जो प्लांट है 8,000 रुपए का, लेकिन चूंकि दिवाला निकल रहा है व्यक्ति का, तो उसको बेचने से राशि क्या है, कम कीमत की वसूल हो रही है। इस पर 6,000 का नुकसान आप कैलकुलेट कर सकते हैं। फिक्चर्स 800 रुपए है, 350 बाहर लिख रही हूँ। स्टॉक 8,000 है, 5,550 इसका एस्टिमेटेड टू प्रोड्यूस है, बेचने से मिलने वाली राशि। जोड़ कर लिया 7,900, 7,900 रुपए इकट्ठा हो गए। अब बुक डेप्ट लिख रहे हैं, देनदार लिख रहे हैं, लिस्ट एफ के अनुसार सबसे पहले अच्छे, तो देखिए 6,000 लिखा है मैंने। उसके बाद आपका जो फिगर है मैंने दोनों जोड़कर लिख दिया है। 2,000 रुपए के डाउटफुल थे जिससे 600 रुपए मिल रहे थे बच्चों, और जो हमारे बैड थे वो 5,000 थे, तो मैंने टोटल लिख दिया 7,000। आपको यदि कंफ्यूजन है तो आप उसे 2,000 और 5,000 दो अलग अलग लिख सकते हैं। तो 7,000 में से सिर्फ 600 रुपए वसूल हो रहे हैं, बाकी नुकसान है। लिस्ट जी बी आर बिल्स रिसीवेबल नहीं दिए हैं, ना ही प्रॉमिसरी नोट दिया है बच्चों, इसलिए हम उसे डैश लगा रहे हैं। इस तरह से 16,000 रुपए वो जो फ्री होल्ड फैक्ट्री थी उसके आधिक्य की राशि को हम यहाँ लिखकर, और कुल राशि हमारी कितनी इकट्ठी हुई, 30,500। 30,500 के फिगर में देखिए पर्टिकुलर्स में मैंने लिखा है टोटल एस्टिमेटेड टू प्रोड्यूस, यानी 2,350, 5,550, 7,900 जमा हो गए, 6,000 रुपए अच्छे देनदारों से हमने वसूल किए, 600 रुपए वसूल किए, 16,000 रुपए हमने आधिक्य की राशि जोड़ी, कुल इकट्ठा हुआ पैसा 30,500 रुपए। सबसे पहले 480 रुपए पेमेंट किया जाएगा, नाम से स्पष्ट है पूर्व अधिकार। 480 रुपए भुगतान करने के बाद देनदारों के लिए जो राशि बच रही है वो बच रही है, लेनदारों के लिए जो राशि बच रही है वो 30,020 रुपए बच रहे हैं। आप फिगर को देख रहे हैं, 30,000 मोटा हिसाब करती हूं तो 30,000 रुपए हमारे पास बचा पैसा, और लेने वाले हैं मोटा हिसाब 31,000 रुपए। आप समझ गए होंगे कि संपत्तियां कम और दायित्व ज्यादा है, इसलिए व्यक्ति दिवाला हो रहा है, व्यक्ति का दिवाला निकल रहा है। तो देखें कमी कितनी, 30,020 रुपए बचे हैं और हमारे दायित्वों की, हमारे दायित्वों को भुगतान करना है 31,200। तो अंतर की राशि कमी की राशि होगी बच्चों, जिसके लिए हम लिखेंगे एज पर लिस्ट एच। लिस्ट एच के अनुसार कमी की राशि 1,180। अब हम कमी का खाता बनाकर ये देखेंगे कि हमने जो कमी की राशि निकाली वो एग्जैक्ट है कि नहीं, सही है कि नहीं। तो लिस्ट ए बी सी डी लाइबिलिटीज, ई एफ जी असेट्स, और फिर हमने सरप्लस भी जोड़ा, फिर सबसे पहले प्रेफरेंशियल को भुगतान किया, बचे अरक्षित के लिए राशि, कम राशि बची है, कमी की राशि 1,180, जिसका भुगतान किसी भी दशा में व्यापारी नहीं कर सकता है। और इसको साबित करने के लिए हम अब बनाएंगे कमी का खाता, जिसके लिए आपको याद दिला दूं पूंजी आहरण लाभ ये सब आपको लिखने हैं यथास्थान, आहरण हानि है आप राइट हैंड साइड लिखेंगे, पूंजी लेफ्ट हैंड साइड लिखेंगे, प्रॉफिट्स लेफ्ट हैंड साइड लिखेंगे। ये देखिए ये पूरा प्रारूप आपके सामने है, कैपिटल है 33,600, प्रॉफिट्स 5 साल के दिए हैं बच्चों, मतलब आपको ये भी याद रहे कि लगातार लाभ होने पर भी व्यक्ति का दिवाला निकल सकता है आर्थिक स्थिति कमजोर होने पर, क्योंकि आप कहें कि हानि हो रही है इसलिए दिवाला निकल रहा है, नहीं, लाभ देखिए लगातार, लेकिन लाभ का एनालिसिस कीजिए, कम 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 होते जा रहे हैं। लाभों की राशि जोड़ दी है और डेफिशिएंसी की राशि भी लिख दी है, टोटल हो रहा है 49,500। चलिए राइट हैंड साइड चलते हैं, ड्रॉइंग्स है एक वर्ष की 2,200, तो 5 साल की 11,000। बैड डेब्ट्स देखिए मैं लिख रही हूँ 5,000 और 1,400। मैं फिर याद दिला दूं प्रश्न में बेसिकली जो फिगर था वो डाउटफुल का 2,000 था, 600 रुपए वसूल होने की आशा थी, तो 1,400 रुपए डूब रहे हैं और 5,000 पूरा का पूरा डूबने की बात कही जा रही थी। इसीलिए आपको याद होगा मैंने स्टेटमेंट में 7,000 लिखा है और जो वसूल हो रही है राशि वो मैं लिख रही हूँ 400 और लिख रही हूँ 600, इसलिए अंतर की राशि आप एनालिसिस करके देख सकते हैं 6,400, 7,000 माइनस 600, 6,400। और अब यहाँ हमने अलग अलग जोड़ कर लिखा है ताकि आपके दोनों तरीके से कंसेप्ट क्लियर हो जाए। लॉस ऑन फ्री होल्ड फैक्ट्री 40,000 कॉस्ट थी, उसको जब हम बेच रहे हैं तो 20,000 रियलाइज हो रहा है, इसका मतलब 20,000 नुकसान।
बिल्स डिस्काउंटेड 3,200, एक्स्ट्रा पेमेंट, लॉस ऑन असेट्स मीन्स जो अलग और संपत्तियां थी जिस पर नुकसान हो रहा था, इनर कॉलम में देखिए 8,000 माइनस 2,000, 6,000 का नुकसान, स्टॉक पे 2,450 का नुकसान और फिक्चर्स पे 440 का नुकसान, दोनों तरफ का जोड़ हमारा बराबर आएगा। आप चाहें तो कमी की राशि नहीं लिखें और क्रेडिट साइड का जोड़ जब ज्यादा आएगा 49,500 और डेबिट में दो राशियों का जोड़ करेंगे तो अंतर की राशि ठीक कमी की राशि के बराबर होगी। तो हमने एक पूरा प्रश्न हल किया बच्चों, जिसमें हमने लिस्ट ए बी सी डी और ई एफ जी बनाया और आपको मैंने कोशिश की समझाने की कि हमारा स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स और जो कमी का खाता है डेफिशिएंसी अकाउंट वो कैसे बनता है। एक बहुत छोटे से सवाल की सहायता से समझाने की कोशिश की है। आइए अब आपको मैं शामिल करूंगी, एक नया प्रश्न आपके सामने रख रही हूँ, बिल्कुल इसी से मिलता जुलता प्रश्न है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपसे पूछे गए प्रश्न का आप जवाब देंगे। देखिए एक रमेश है जिसका आपको स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स और डेफिशिएंसी अकाउंट कमी का खाता बनाना है। आपको पूंजी दी है और इसके साथ ही निजी खर्च मीन्स ड्रॉइंग्स दिए हैं, आहरण दिए हैं। आपको याद रखना है 1 अप्रैल 1999 को बिजनेस शुरू हुआ और जस्ट 12 मंथ बाद ही 31 मार्च 2000 तक के आपको इसके हानि दी है। और साथ ही ये कहा जा रहा है कि इसका व्यवसाय जो है वो व्यवसाय का दिवाला निकल रहा है और आपको अंतिम खाते बनाने हैं, दिवालिया लेखे बनाने हैं, तो लॉस दिए हैं। इनकम टैक्स के लिए आपको फिगर दिया है, आपको पूर्वाधिकारी लेनदार के नाम से क्लियर दिया है बच्चों, 208 रुपए, आप समझ गए होंगे। लिस्ट डी आरक्षित लेनदार है 80-64। मैं छोटा सवाल आपके सामने रख रही हूँ, लिस्ट ए सबको याद है, उसके बाद रोकड़ बैंक में है और रोकड़ हाथ में है, ये लिस्ट ई की राशियां हैं बच्चों। और इसके साथ ही आपको पुस्त ऋण दिए हैं, बुक डेट जिसको हम देनदार कहते हैं, और ये भी बिल्कुल क्लियर है आपको कि इसका प्राप्य मूल्य आपको दिया है। फर्नीचर की कीमत दी है 248 रुपए और अनुमानित प्राप्य मूल्य दिया है, आप नुकसान को कैलकुलेट करके रख सकते हैं। स्टॉक दिया है, उसका प्राप्य मूल्य दिया है कम, नुकसान इस पर। संयंत्र जो है उसका भी नुकसान है, उस पर भी नुकसान है। और अब है पूर्ण स्वामित्व फैक्ट्री जो उसकी कीमत है 6,000 रुपए, लेकिन प्राप्य मूल्य 5,500 रुपए है बच्चों, 500 रुपए का नुकसान हो रहा है। और आगे आपको कहा जा रहा है ये फैक्ट्री 4,500 रुपए के ऋण के लिए बंधक रखी गई है। आप इसे ध्यान से फिर से पढ़ लें, लोन कितना लिया है 4,500 रुपए और इसके लिए सिक्योरिटी जो है वो 6,000 की है, लेकिन उसका मूल्य घटकर कितना हो गया है 5,500। बावजूद इसके घटने के बाद भी ये लोन क्या है, फुली सिक्योर्ड है। मैं फिर दोहरा दूं, जितने का ऋण लिया उसके बराबर या उससे अधिक मूल्य की प्रतिभूति गिरवी रखी जाए तो वो फुली सिक्योर्ड लोन कहलाता है। लिस्ट बी देखिए, लोन 4,500 और सिक्योरिटी 5,500। समापन की लागत 282 रुपए, ये मानते हुए बताइए कि लेनदारों को कितने प्रतिशत लाभांश के रूप में प्राप्त होंगे। यानी आपको शुरू में ही कह दिया गया है कि स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बनाना है, साथ ही आपको डेफिशिएंसी अकाउंट बनाना है, आपको कैपिटल दी गई है, लॉस दिए गए हैं, प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स दिए गए हैं, एक मुश्त राशि दी गई है। लिस्ट ए आपको अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स के रूप में दिए गए हैं, साथ ही कैश और बैंक दिए हैं, बुक डेट्स। लिस्ट एफ जी गायब है फिर से, इसके साथ ही फर्नीचर, स्टॉक और मशीनरी दी है, फ्री होल्ड प्रॉपर्टी गिरवी रखी है जो मॉर्गेज उसके बारे में जानकारी दी है। और एक नई चीज जो आपको सिखाना चाहती हूँ, जो हम सीखेंगे वो ये कि यदि आपको वाइंडिंग अप कॉस्ट दी है 282 तो आप उसका किस प्रकार से लेखा करेंगे। स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स में उसका कहीं स्थान नहीं है, हम अवस्था विवरण पर सीधे चल रहे हैं। एक मिनट में कोशिश करती हूँ, आपको स्लाइड दिखाने वाली थी, नहीं देखिए लिस्ट ए सीधे स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स में सबको दिख रहा है। लिस्ट ए 80-64 लिखा है मैंने, क्लियर दिया था, कोई कैलकुलेशन नहीं था। लिस्ट ए 80-64। लिस्ट बी देखिए 4,500 रुपए में लिख रही हूं, लेकिन बाहर मैंने कटपिट लगाया है क्योंकि लिस्ट बी की राशि बाहर नहीं लिखी जाती। सिक्योरिटी कितने की है तो 6,000 रुपए मूल्य की, लेकिन उसका प्राप्य मूल्य 5,500 रुपए है। इस तरह से 1,000 रुपए हम प्रति पार्श्वानुसार जोड़ेंगे, सरप्लस जो है वो राइट हैंड साइड ले जाएंगे।
लिस्ट सी नहीं है, लिस्ट डी 208 रुपए पूर्वाधिकार के नाम से दिए गए हैं। चलिए लिस्ट ई की ओर चलते हैं। कैश इन हैंड और कैश एट बैंक, बच्चों मैंने आपको पढ़ाते समय कहा 7 रुपए हैं तो 7 ही वसूल होंगे, 23 हैं तो 23 वसूल होंगे, इसलिए अजीब सा लगेगा यदि हम 7 7 23 23 लिखें, लेकिन आपको फर्नीचर की कीमत 248 इनर कॉलम में लिख के आउटर कॉलम में 120 उसका प्राप्य मूल्य लिखना है। इसका एनालिसिस करके आप नुकसान भी कैलकुलेट कर सकते हैं, कितना नुकसान हो रहा है, हानि हो रही है। प्लांट भी हमने लिखा है 1500 रुपए वसूल हो रहा है, मूल्य इस तरह से कुल राशि इकट्ठी हुई 2480 रुपए। जो हमको देनदार दिए गए थे बच्चों, टोटल फिगर था 2737 और प्राप्य मूल्य दिया गया था 2050। हमने 2050 का फिगर लिखकर और ये जानने की कोशिश की कि इस पर कितना नुकसान हो रहा है जो हम कमी के खाते में लिखेंगे। लिस्ट जी पिछले सवाल की तरह डैश है और अब हम सरप्लस लिख रहे हैं 1000 रुपीज, तो हमारे पास कुल कितना पैसा जमा हुआ, 7 रुपए 23 रुपए 120, इन सबका जोड़ हमने कर लिया था 2480 रुपए, 2050 रुपए हमारे बुक डेब्ट से इकट्ठे हुए। लिस्ट जी हमारा कुछ नहीं है, सरप्लस 1000 रुपीज जोड़कर हमारे पास कुल पैसा इकट्ठा हुआ 5530 रुपए। पूर्व अधिकार भुगतान पाने का किसको है, 208 रुपए को। 208 रुपए भुगतान करने के बाद जो बचा 5322 रुपए, ये आरक्षित लेनदारों के लिए उपलब्ध राशि है। लेकिन इस प्रश्न से आपको एक बात नई पता चलेगी कि ये राशि आरक्षित लेनदारों को पूरी पूरी नहीं दी जाएगी। कमी की राशि देखिए 2742, ये कैसे आई है, आप देखिए हमारा लेफ्ट हैंड साइड टोटल है 8064, 8064 का भुगतान, मतलब हमसे पैसा लेने वाले 8064 रुपए के, और हमारी संपत्तियां जब हमने पूर्वाधिकारियों को भुगतान कर दिया तो 5300, तो कमी राशि 2742 रुपए ही है, मतलब हम इसका भुगतान नहीं कर सकते। और इस राशि की जांच के लिए हम एक कमी का लेखा बनाते हैं। देखिए हमने पूंजी लिखी है और कमी की राशि लिखी है, हमने राइट हैंड साइड ड्राइंग्स लिखी है, ट्रेड लॉस लिखा है, बैड डेब्ट्स लिखा है, और साथ ही संपत्तियों पर होने वाली हानियों का हिसाब हम कर रहे हैं 1320 830, तो नुकसान हो रहा है 490। इसी तरीके से सारे नुकसान लिखने के बाद हमारा डेफिशिएंसी अकाउंट्स का टोटल बराबर आ रहा है, तो 7221 रुपए, 7221 रुपए हमारा टोटल बराबर आया। लेकिन प्रश्न यहाँ खत्म नहीं होता बच्चों, क्योंकि हमें प्रश्न में एक और चीज पूछी गई है और वो फिगर है 282 रुपए का। इस प्रश्न में पूछा गया है लेनदारों को कितने प्रतिशत लाभांश मिला। लेनदारों के भुगतान के लिए आपको वो फिगर याद रखना है, हमारे पास जो पैसा बच रहा था वो था 5322 रुपए, जो डिस्प्ले हो रहा है उस पंक्ति को आप ध्यान से पढ़ें समझें, 5322 में से 282 रुपए हम लिक्विडेशन कॉस्ट की समापन व्ययों के राशि का भुगतान पहले करेंगे, और अब जो राशि बच रही है वो अनसिक्योर्ड के लिए होगी और वो है 5040। मतलब वो राशि जो हमारा स्टेटमेंट हमें बता रहा था घटकर 5040 रुपए बची। अब आपको इसको समझना है, प्रश्न में पूछा है लेनदारों को कितने प्रतिशत लाभांश मिला, तो आप इसको कुछ इस तरह से समझ सकते हैं 8064 रुपए के बदले में हम लेनदारों को कितना दे रहे हैं, 5040 रुपए। राशि बच रही थी 5322 रुपए, लेकिन लिक्विडेशन कॉस्ट का पहले आप पेमेंट कर देंगे तो बची राशि, तो 1 रुपए के बदले में कितना दिया, 0.625 भाग दे दिया, और 100 के बदले में कितना, तो आपको मिला 62.5। मैं यहां बच्चों को एक चेतावनी देना चाहती हूं, मैं जागरूक करना चाहती हूं कि आप प्रश्न को बहुत ध्यान से पढ़ें, प्रश्न में आखिर में ये बात कही गई है, और बच्चे अक्सर ऐसे प्रश्नों को ध्यान से नहीं पढ़ते और अपनी बात खत्म करके जल्दी से दूसरे प्रश्न को करने लगते हैं। आपसे पूछा गया था यदि समापन की लागत 282 रुपए हो तो आप बताएं कि लेनदारों को कितने प्रतिशत लाभांश मिला, यानी आप रुपए में उत्तर लिख देंगे कि 1 रुपए में 62 पैसा मिला तो भी गलत होगा,
आपको सही सही सटीक उत्तर लिखने के लिए 100 में उसे बदलना होगा तो 62.5% का भुगतान लेनदारों को किया गया। मैंने जैसा आपसे कहा कि मेरे 3 पॉइंट्स पर फोकस्ड मेरा लेक्चर था, लेकिन हम आज एक और चीज पर चर्चा करेंगे। मैंने शुरू में कहा दिवाला वो जिसकी संपत्तियां कम हो, लेकिन अब मैं एक और जानकारी आपको दे रही हूं कि यदि संपत्तियां अधिक हो तो भी व्यक्ति का दिवाला निकल सकता है। बच्चों, इसके लिए हम दो फार्मूला नोट करें। मैं आशा करती हूं कि आप कॉपी में जरूर लिखेंगे, क्योंकि आपसे एक प्रश्न मैं इससे रिलेटेड पूछने वाली हूं। जब हम संपत्तियों और दायित्वों का अंतर पूंजी होता है इसको पढ़ रहे हैं, तो आपको कहीं कोई बात याद आ रही है। बच्चों, मैं आपको एक बैलेंस शीट बनाकर बताती हूँ। ये देखिए, बैलेंस शीट का एक आपको बिल्कुल छोटी सी बैलेंस शीट बता रही हूँ। सन्डरी असेट्स के रूप में मैं लिखती हूँ 50,000, ठीक है? तो 50,000 यहाँ टोटल है, ओके? अब मैं यहाँ पर आपको बता रही हूँ कि लाइबिलिटी कितनी है, तो 10,000। अब मैं यहाँ रुक गई हूँ। आपको क्या याद है, आपने क्या पढ़ा है? हमने एक इक्वेशन पढ़ा है बच्चों बैलेंस शीट से रिलेटेड, कि असेट्स इज इक्वल टू क्या है, कैपिटल एंड लाइबिलिटीज, ठीक? तो यहां मैं संपत्तियां कह रही हूं 50,000, तो यहां पर पूंजी और दायित्वों का जोड़ भी 50,000। मैंने कहा लाइबिलिटीज 10,000, तो बैलेंस फिगर क्या है, कैपिटल है। यानी संपत्तियां कितनी, 50,000 में से आप 10,000 घटा दीजिए तो 40,000 क्या आ जाती है, कैपिटल। क्योंकि इक्वेशन क्या कहता है, असेट्स हमेशा किसके बराबर होती हैं, कैपिटल और लाइबिलिटीज के बराबर होती हैं, ओके? तो हमने ये इक्वेशन इस इक्वेशन की सहायता से ये वाली बात सीखी है। असेट्स में से आप लाइबिलिटीज घटा देंगे तो कैपिटल मिलता है। संपत्तियों और दायित्वों का अंतर पूंजी होता है, ये पहला आपने इक्वेशन नोट कर लिया है। दूसरा आपको ध्यान रखना है, दायित्वों और कमी की राशि का अंतर संपत्तियों का प्राप्य मूल्य होता है। लिखिए लाइबिलिटीज माइनस डेफिशिएंसी। आपको ऐसे प्रश्नों में अलग हटकर प्रश्न दिया होगा तो कमी की राशि दी होगी। बच्चों, अभी तक क्या करते थे, हम कमी की राशि खुद निकालते थे, लेकिन अब ऐसे प्रश्नों में आपको कमी की राशि दी होगी। तो दूसरा इक्वेशन आप तैयार कर लिख लें, लाइबिलिटीज माइनस डेफिशिएंसी एस्टिमेटेड वैल्यू ऑफ असेट्स। संपत्तियों का प्राप्य मूल्य आपको नहीं दिया होगा, है ना? तो हम क्या करेंगे, इस समीकरण की सहायता से संपत्तियों का प्राप्य मूल्य निकालेंगे। बहुत छोटा सा प्रश्न, आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा, आप हल कर सकेंगे उसको। लेकिन इसके साथ एक और छोटी सी बात आपको नोट करनी है, वो ये कि आवेदन देने के बाद यदि दिवालिया को पता चलता है कि कुछ मदें लेखा पुस्तकों में नहीं लिखी गई हैं, ये एक्स्ट्रा पेमेंट होंगे बच्चों, तो हम इसे संबंधित सूची में दर्शाएंगे, लेकिन पूंजी पर ब्याज नहीं दर्शाएंगे। पूंजी पर ब्याज मतलब पूंजी किसकी है, व्यक्ति की। हम किसके दिवाले की बात कर रहे हैं, व्यक्ति की, है ना? तो हम व्यक्ति के जब दिवाले निकलने की बात कह रहे हैं तो उसकी पूंजी वो खुद लगाता है, तो पूंजी पर ब्याज उसका खुद का हित है, इसलिए उसे इग्नोर करेंगे, यानी पूंजी पर ब्याज को शामिल नहीं करेंगे। और प्रश्न में अक्सर ये वाला पॉइंट पूछा जाता है और बच्चे कंफ्यूज होते हैं। तो इन दो सूत्रों की सहायता से या समीकरण की सहायता से, देखिए मैं अपनी बात साबित करके बताऊंगी। आपको जानकर हैरानी होगी कि संपत्तियां अधिक हैं फिर व्यक्ति का दिवाला क्यों निकल रहा है। आप यदि दूसरे इक्वेशन पर गौर करें तो समझिए कि कहीं संपत्तियां, मैं कह रही हूं मेरे पास तो 50,000 की संपत्ति है, लेकिन बाजार में बेचने जाएं तो 10,000 वसूल हो रहे हैं। तो आप समझ गए कि संपत्तियां पुस्तक मूल्य में ज्यादा है, बुक वैल्यू ज्यादा है, बैलेंस शीट में संपत्तियां ज्यादा लिखी गई हों और प्राप्य मूल्य उसका कम हो तो दिवालिया, ओके? तो देखिए क्वेश्चन है आपके सामने, संपत्तियां और दायित्व, कोई कैपिटल बताएगा मुझे? एक पंक्ति सिर्फ आपके सामने है, प्रश्न हम शुरू कर चुके हैं 30 जून 2011 को, एक व्यवसायी की संपत्तियां और दायित्व। पूंजी बताने के लिए हाथ ऊंचा कीजिए, कैपिटल कोई बताएगा? मैंने अभी दो इक्वेशन आपको कहा था कॉपी में लिखिए। संपत्तियां हैं 56,000 की और दायित्व हैं 44,000 रुपए के,
पहला इक्वेशन आप असेट्स माइनस लाइबिलिटीज, आपको कैपिटल मिल जाएगी। बच्चों ध्यान से नहीं सुन रहे हैं, उसने दिवालिया होने के लिए आवेदन न्यायालय में दिया, अपनी अनुमानित कमी डेफिशिएंसी, ये दो इक्वेशन आप अप्लाई कर सकते हैं। ये सूचनाएं आपकी यहाँ पर मेन दोनों इक्वेशन के लिए मैंने आपके सामने रखी है। अब देखिए उपरोक्त अनुमान करने के बाद उसे ये पता चला कि निम्न के लिए लेखे पुस्तकों में नहीं हुए हैं, यानी आपको बाद में जो जानकारी दी जा रही है, सबसे पहले मैंने बात की पूंजी पर ब्याज 6%। हालांकि 1 जनवरी को व्यवसाय शुरू किया है बच्चों और 30 जून को ही उसने दिवाला होने के लिए आवेदन दे दिया, उसके बावजूद हम पूंजी पर ब्याज को ध्यान में नहीं रखेंगे। उसके द्वारा बुनाए गए बिल 10,000 रुपए के, संदिग्ध दायित्व 2,500 रुपए, देय राशियां मजदूरी वेतन किराया कर क्षतिपूर्ति अधिनियम के अंतर्गत देय क्षतिपूर्ति 100 रुपए, बस इतना सा प्रश्न है। मिलकर हर करते हैं, आपने दोनों इक्वेशन नोट नहीं किया, मुझे बहुत निराशा हुई। बच्चों आपसे फीडबैक लेते हैं हम, प्रश्न पूछकर कम से कम हाथ ऊंचा करके आप बता सकते हैं कि आप मेरी बात को ध्यान से सुन रहे हैं और गुन भी रहे हैं। चलिए देखिए हम लिस्ट ए बना रहे हैं, उसके पहले हम दो इक्वेशन अप्लाई करेंगे। ये अंग्रेजी में मैंने प्रश्न लिखा है, डिस्प्ले करती हूँ, सिर्फ आखिरी पंक्ति ध्यान से देख लीजिए। अमाउंट ड्यू एज वेजेस 300, सैलरी 700, रेंट 300 एंड एज रेट्स एंड टैक्सेस 100, एरियर्स ऑफ पेबल कंपनसेशन अंडर वर्क्समैन कंपनसेशन एक्ट रुपीज 100। आपको ये याद है कि केंद्र राज्य स्थानीय सत्ता को देय राशि और क्षतिपूर्ति अधिनियम के अंतर्गत देय राशि हमेशा कोई भी अधिनियम हो पूर्वाधिकार रखती हैं। ठीक, प्रश्न को पढ़ते समय आपने गौर किया होगा मैंने स्थान विशेष का उल्लेख नहीं किया है, इसलिए आपको प्रोविंशियल के अनुसार प्रांतीय के अनुसार हल करना है और इसके साथ ही किराए पर गौर करना है। देखिए हमने लिस्ट ए बनाने शुरू कर दी है और नोट पहला आपके सामने है। लिस्ट ए बनाएंगे पहले या पूंजी की राशि निकालेंगे जिसमें आप फेल हो गए थे? देखिए पूंजी की राशि मैंने पूछा था, हाथ ऊंचा कीजिए, किसी ने भी नहीं बताया। 56,000 में से 44,000 रुपए घटाकर एग्जाम्पल आपको दिया था बच्चों, 12,000 रुपए पूंजी है। लाइबिलिटीज और डेफिशिएंसी का जो डिफरेंस होता है वो एस्टिमेटेड वैल्यू ऑफ असेट्स होता है। 44,000 में से 30,000 घटा दीजिए, 14,000 संपत्ति का प्राप्य मूल्य हो गया। लिस्ट ए बननी शुरू हो गई है, 44,000 आपको दायित्व की राशि दी है, उसी फिगर को हम दोबारा इस्तेमाल कर रहे हैं। बिल्स डिस्काउंटेड 10,000 है, लेकिन 2,500 रुपए आपको भुगतान करने के लिए कंटिंजेंट के रूप में बताए जा रहे हैं। इस तरह से किराए की राशि भी, क्यों? क्योंकि शेष भारत का निवासी माना जा रहा है, इसलिए किराए की राशि पूर्वाधिकार नहीं रखती है, तो लिस्ट ए में शामिल करेंगे। इस तरह से टोटल हुआ 54,346,800। जैसा मैंने शुरू में कहा कि ग्रॉस और नेट अलग अलग हो सकते हैं, यहां साबित हो रहा है। लिस्ट बी और सी कुछ भी नहीं है। लिस्ट डी में हमारा जो फिगर आएगा वो वेजेस का, सैलरीज का, टैक्सेस का और कंपनसेशन का जो फिगर है वो आ जाएगा। किराए की राशि हम शामिल नहीं करेंगे बच्चों। ये याद रहे कि इस प्रश्न को मैं केवल कोलकाता निवासी करके यदि आपको दूं तो ये 300 रुपए किराए के पूर्वाधिकार में आ जाएंगे, ये आपको ध्यान रखना है। अब अवस्था विवरण देखिए संक्षेप में, जल्दी जल्दी रिपीट करती हूँ, समय का बंधन है। लिस्ट ए 46,800 है, बस। ई में मैंने 56,000 लिखा है बच्चों, प्राप्य मूल्य 14,000, आपको देख के समझ में आना चाहिए कि कितना नुकसान हो रहा है। दिखाई दे रहा था 56,000 की और 46,800 के आपके लाइबिलिटीज थी, लेकिन फिर भी दिवाला निकल गया, 14,000 रुपए जमा हुए और सबसे पहले 1,200 रुपए भुगतान किया जाएगा और अब 12,800 रुपए बचे, यानी दिवाला निकल गया। कितने रुपए कम पड़ रहे हैं? 34,000 रुपए लिस्ट एच के जो हैं उसको हम चेक करने के लिए अब कमी का खाता बना रहे हैं। देखिए पूंजी की राशि जो हमने 12,000 रुपए निकाली वो लिख दी और कमी की राशि 34,000, टोटल हो गया 46,000। इस तरफ चलिए, राइट हैंड साइड हम कमी की बात कर रहे हैं, असेट्स पे 42 जो है, बिल्स डिस्काउंटेड 2,500 है, फिर मजदूरी वेतन
किराए की राशि भी अतिरिक्त भुगतान के रूप में टैक्स और क्षतिपूर्ति की राशि सब राशियां लिखने के बाद देखिए 46,000 टोटल बराबर आ गया। तो एक छोटा सा प्रश्न आपको परीक्षा में पूछे जाने की संभावनाएं ज्यादा हैं, इसलिए और इसलिए भी कि मेरा दिवाला लेखे की शुरुआत हुई थी संपत्ति कम हो दायित्व ज्यादा, तो मेरा ये फर्ज बनता है कि आपको ये बता दूं कि संपत्तियां ज्यादा हो तो भी दिवाला निकल सकता है बच्चों, लेकिन उसका मतलब क्या है, तो संपत्तियों का पुस्त मूल्य ज्यादा होता है और जब बेचने जाते हैं तो कम वसूली होती है। तो अब हम अपने इस व्याख्यान को यहीं खत्म करते हैं। मैं कुछ ऑब्जेक्टिव प्रश्न लाई थी लेकिन मैं आपसे नहीं पूछूंगी, आपको मौका देती हूं कि आप मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं, जल्दी पूछें यदि कुछ पूछना चाहते हैं। मैं आपको बता दूं कि मैंने अपने इस लेक्चर की तैयारी इन तीन किताबों से की है। आप कुछ पूछना चाहते हो तो जल्दी पूछें। तो चलिए, परीक्षा टाइम टेबल आ चुका है इसलिए आपको बहुत सारी शुभकामनाएं, धन्यवाद, नमस्कार।